नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पीएम के जन्मदिन को सोहना में बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय रोजगार दिवस के रूप में मनाया। सिद्धार्थनगर जिले में एक तरफ जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वें जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, वहीं पर विकास खंड भनवापुर क्षेत्र सोहना में शिक्षित युवाओं में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा समाज सेवी मनीष सिंह क्रांतिकारी व भीपू सिंह के नेतृत्व यह बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर देवेंद्र सिंह ने बताया कि योगी सरकार प्रतिवर्ष 13 लाख युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाया था और अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। मनीष सिंह ने कहा, रोजगार परक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी युवा पीढ़ी दर दर ठोकरे खा रही है, वही दमनकारी सरकार को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही बेरोजगार युवा 2022 में भाजपा सरकार को कड़ा संदेश देंगे और इनका यूपी में सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जब जब समाज में क्रांति हुई है, इतिहास गवाह है कि युवाओं ने परिवर्तन लाया है। पढ़ा लिखा युवा आज दमनकारी सरकार को संदेश देने का काम करेगा। समाज में जब क्रांति हुई तो यही युवा परिवर्तन लाने का काम किया है। वह दिन दूर नहीं जब 2022 के चुनाव में यह बेरोजगार युवा फिर से परिवर्तन लाएगा व भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आज जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे जो है हम सब युवा बेरोजगार जो है बेरोजगार दिवस मनाया गया है, नारेबाजी किया गया है, जन के नारे लगाए गए हैं युवाओं को लेकर। बेरोजगार है युवा, प्रधानमंत्री जी जो है रोजगार दें, हम सब युवाओं को हमारे साथियों को रोजगार देने का कार्य करें और जो है हम सब समाजवादी जो है यही कार्य किए हैं, नारेबाजी किए हैं कि रोजगार दें, रोजगार दें। जानकारी मिली है लॉकडाउन में 5 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं की भारत देश से जा चुकी हैं और रोज देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज अपनी भाषणों में कहेंगे कि रोजगार हम दे रहे हैं। हर साल 13 लाख उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का मैनिफेस्टो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में इन्होंने अपना कायम किया था। आज पढ़ा लिखा बेरोजगार कहाँ है, सड़कों पर घूम रहा है। हर हाथ को जब काम होगा उसी दिन आपका पेट होता भरा रहेगा और जब हाथ को काम नहीं रहेगा उसी दिन आपके गांव में आपके चौराहे पर भ्रष्टाचार और जान लीजिए। पढ़ा लिखा युवा आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक संदेश देने का काम इस दमनकारी सरकार को कर रहा है कि कम से कम आने वाले इन नौजवानों को जो BEd, MEd, BSc, LLG जो भी किए हैं उनको रोजगार देकर। आज देख रहा हूँ ब्लॉक पर कृषि विभाग से जो लड़के हमारे BSc जी किए हैं उनका आता है कृषि में कुछ लेने का, दलाल इनके घेर लेते हैं। आज मास्टर साहब बैठे हैं लॉकडाउन में, इनका जो है पूरा विद्यालय बंद हो गया, हर एक चीज हो गया। सरकार को इन सब मुद्दों पर उठाना चाहिए आवाज और सहयोग करना चाहिए। ये युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। एक बात जान लीजिए, जब जब भी क्रांति हुई है, परिवर्तन की धारा चली है, उसमें युवाओं की अहम भूमिका रही है। अम्बेडकर ने कहा जब जब भी क्रांति हुई है ये युवा ही। आज ये छोटा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से DM को संदेश जाएगा, CO को संदेश जाएगा और देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं मीडिया के पत्रकार वर्गों के साथ माध्यम से संदेश जाने का काम करेगा। लेकिन आने वाले वक्त में ये अगर चेते नहीं, रोजगार नहीं दिए तो वही युवा मिलकर इनका सुपड़ा भी 2022 में और 24 में साफ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी शुभकामनाएं और आप जितने युवा हैं सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।